वालेकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड में आपका भाई उमर भट्ट हाजिर है और हमारी सीरीज चल रही है स्टोर की। आज मैं जा रहा हूँ दिरले लेक। ये लेक बहुत कम लोग जाते हैं, ज़्यादातर लोग रामा और रेनबो लेक चले जाते हैं। ये गोरी कोट से इसका रास्ता निकलता है, जो ब्रिज के बाद आप लेफ़्ट हो जाते हैं चिलम के लिए। यहाँ से आपने राइट हो जाना है और आगे से तकरीबन मेरा ख्याल है 30 किलोमीटर का रास्ता है। तो सड़क इसकी देख लें, ऐसी है मतलब कार तो आ सकती है अभी तक। तो अभी मुझे पता नहीं आगे जाके कार जाएगी कि नहीं, मैं लेकिन बाइक पे टूर कर रहा हूँ। मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ यहाँ पे। इसका मैंने मुकामियों से बहुत ज़्यादा सुना है और इसका जो रास्ता है, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है इसका मैप और लोगों से पूछता चल रहा हूँ। अभी हम सुबह 8 बजे निकल आए थे और आज बिल्कुल खामोशी है, छुट्टी है, तो हम लोग भी कम मिल रहे हैं जिनसे रास्ता पूछें, लेकिन आइडिया है इंशाल्लाह। तो हम दिरले लेक पहुँचते हैं, देखते हैं कैसी है, कहाँ से पानी आ रहा है, नंगा प्रभु वहाँ से नज़र आती है कि नहीं आती, जीप का क्या सीन है, लोग वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं, वहाँ पे रात रुकने का क्या सिलसिला है। ये सारी इन्फॉर्मेशन ग्रिप ऑन ट्रिप जैसे कि आपको देता है इंशाल्लाह। तो मेरे साथ रहिएगा। सुबह के 8 बजे हैं और अभी स्टोर के बाज़ार बंद हैं। मुझे आज ही चिलम के लिए निकलना है, इसलिए जल्दी निकला हूँ। दिरले लेक जाने के लिए आपको गोरी कोट जाना होता है। स्टोर की ज़्यादातर लोकेशंस के लिए आप गोरी कोट से ही गुज़रते हैं, सवाए रामा लेक के। तो अगर आप रामा लेक के बाद गोरी कोट में रुक जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि रूपल फेस तरशिंग विलेज, दिरले लेक, रेनबो और देवसाई जाने के लिए आप गोरी कोट से ही गुज़र कर जाते हैं। तो अगर आप गोरी कोट में कमरा लेंगे तो बेहतर होगा। स्टोर शहर से गोरी कोट जाने में 30 से 35 मिनट ही लगते हैं। सड़क आधी से ज़्यादा पक्की है और किसी भी किस्म की गाड़ी पर गोरी कोट का सफ़र किया जा सकता है। मैं भी तकरीबन 25 मिनट में पहुंच गया हूं। जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलें तो दरिया के बाद आपको ये बोट नज़र आता है, जिसमें तरशिंग, रूपल वैली और दिरले लेक के लिए सीधे हाथ, जबकि चिलम, देवसाई और रेनबो लेक के लिए उल्टे हाथ मुड़ना होता है। हमारी मंजिल क्योंकि दिरले लेक है तो हमें सीधे हाथ मुड़ना है। जैसे ही हम सीधे हाथ मुड़े तो शुरू में सड़क अच्छी थी, मगर 10-15 मिनट बाद ही ये खुशी ख़त्म हो गई और रास्ता कच्चा हो गया। जबकि ये सारा एरिया भी स्लाइडिंग वाला है। मुझे पहाड़ों की साख्त और सराउंडिंग देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा एरिया स्लाइडिंग वाला है और कौन सा नहीं। 15 मिनट बाद वो पुल आ गया, जिसके बाद हमने उल्टे हाथ टर्न लेना है, जबकि तिरछिंग वैली वाले सीधा जाएंगे। पुल क्रॉस करने के बाद रास्ता वैसा ही कच्चा और लैंड स्लाइडिंग वाला था। बारिश में इस इलाके का सफ़र बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे सड़क का काम जारी है, इसलिए हमें सड़क साफ और खुली नज़र आ रही है। मैं दिरले लेक पहली दफ़ा जा रहा हूँ। गूगल के मुताबिक अभी हमें रट्टू से मज़ीद 1 टर्न लेना है। आगे सड़क पे काम हो रहा है और उस बाइक सामने भी रुकी हुई है और 500 लोग उधर पीट रहे हैं। ये उस तरह से छोटे छोटे गाँव हैं और ज़्यादा आबादी आगे नहीं है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं है सड़क बंद होने की वजह से, लेकिन व्यूज़ जो है वो प्यारे होते जा रहे हैं। जैसे हम रट्टू में एंटर हुए थे जहाँ पर पुलिस स्टेशन रट्टू पर बोर्ड लगा हुआ था। हमारे साथ चलने वाला नाला नहायत दिलकश मंजर पेश कर रहा है और 5-10 मिनट बाद ही एक खूबसूरत और सादा सा गाँव भी आ जाता है। वादी को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे इससे आगे दुनिया ख़त्म हो रही है। सुभान अल्लाह। हल्की हल्की बारिश होने लगी है और मैं वादी की खूबसूरती में खोकर आगे बढ़ता जा रहा हूँ और रट्टू वाला कट भी मिस कर गया हूँ जहाँ से हमने लेफ़्ट होना था। हम 5 किलोमीटर ही आगे निकले थे। मुझे वक्त ज़ाया होने का बिल्कुल भी दुख नहीं। बारिश शुरू हो गई है और दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह तेज़ ना हो जाए, क्योंकि रट्टू विलेज के बाद जो है कुछ 4-5 किलोमीटर कोई दरख्त नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके नीचे बंदा छुप जाए। तो 2-3 किलोमीटर का सफ़र रह गया। अल्लाह खैर करे। वो बाज़ वगैरह ज़रा पीछे रह गए थे, वो आ रहे हैं, तो इनका मैं वेट कर रहा था। लेकिन बारिश जो है वो टेंशन दे रही है हमें, क्योंकि ये यहाँ पर कोई होटल नहीं है, कोई आबादी नहीं है। अभी बारिश की वजह से मैं ज़्यादा अपने मोबाइल को नहीं देख सका। जीपीएस जो मैंने डाउनलोड किया हुआ था, तो जो रट्टू का आर्मी कॉलेज आया था मैं वहाँ से राइट हो गया गलती से। लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 3 किलोमीटर ही आगे गया हूँ। लेकिन मेरी आदत है कि मैं रास्ता पूछता रहता हूँ। अगर मैं किसी जगह पर पहली दफ़ा जाऊँ तो से रास्ता पूछता रहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि भाई आप 2-3 किलोमीटर आगे आ गए हैं, आपने ब्रिज पर सीधा जाना था, आप राइट हो गए हैं। अल्लाह ने यह भी मेहरबानी की कि मैंने पूछ लिया, अदरवाइज हम 8-10 किलोमीटर आगे निकल जाते। तो ये रास्ता था शॉन्टर पास का, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। यहाँ से तकरीबन 40-45 किलोमीटर बनता है शॉन्टर वैली, और आगे से फिर 12 किलोमीटर मज़ीद डाल के आप केल जा सकते हैं कश्मीर में। ले जी, ये वो ब्रिज था जिसको हम मिस करके और सीधा निकल गए। इस ब्रिज से हमने लेफ्ट होके जाना था, लेकिन हम सीधा निकल गए। आर्मी, यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल है रट्टू का, इधर हमने टर्न लेना है। और हम 5 किलोमीटर आगे गए थे और फिर 5 किलोमीटर वापस आए। 10 किलोमीटर लग गया और इसकी मीन के हमारा कोई आधा घंटा ज़ाया हो गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश का चांस जो है वो कम हो गया। तो ये मैं ब्रिज आपको दिखा देता हूँ। मैं बारिश की वजह से गूगल मैप यूज़ नहीं कर सका, मैंने नहीं तो डाउनलोड किया हुआ था। बाद में वेख रहा भैड़िया भैड़िया नजर आना, लेकिन पहली बारी होया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिरले लेक को जाने वाला रास्ता शॉन्टर पास जाने वाले रास्ते से भी ज़्यादा खूबसूरत निकला है। रट्टू आर्मी कॉलेज के बाद सड़क का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा बनाया गया है। दिरले लेक का रास्ता वाकई लाजवाब है, और जिस दोस्त ने मुझे दिरले लेक जाने का मशवरा दिया था, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी लेक पर पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन वादी की खूबसूरती ने बहुत मुतासिर किया है। सुभान अल्लाह। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस कदर खूबसूरत सड़क है, क्योंकि हम इतना आगे आ गए हैं। और जैसे ही हमने क्रॉस किया था रट्टू का आर्मी पब्लिक स्कूल, उसके बाद 1-2 किलोमीटर बाद सड़क इतनी खूबसूरत हो गई है, बेहतरीन बनी हुई है। और पीछे पानी का रंग देख रहे हैं, मैं कोई एडिटिंग इतनी की थी, बेहतरीन चल रहा था समय। क्योंकि अगर एडिटिंग करती थी तो पहले अपने वाल ठीक करता जो हेड रोड को आने के बाद निकलता है। अभी यहाँ से 4 किलोमीटर रह गया। यह नाला दिरले झील से ही निकलकर आ रहा है और झील में अभी 2 से 3 किलोमीटर रहते हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ ये झील अपने रास्ते से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत होगी। फाइनली हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं झील पे। इस झील ने बड़े नखरे किए हैं हमें अपना दीदार करवाने के लिए। हम लोग रास्ता भूले, नाश्ता नहीं किया, बारिश हुई, तेज़ हुई, कभी कट गई, कभी बढ़ गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम पहुंच गए हैं। और इसका जो मेन पॉइंट है वो 1.5 किलोमीटर आगे है। अभी यहाँ से हमने कहा पहला नज़ारा लेके जरा अपनी थकन उतार लें, उस तो बाद अगे चलने हैं। यहाँ पे जो इस लोग मेरे पीछे पहाड़ आप देख रहे हैं, ये किस कदर खूबसूरत है। निज़ाम ही बदल गया यहाँ पे आके। अभी हमें जो खाने के लिए मिला है यहाँ पे अवेलेबल, वो मिला है जी मैकरोनी, जिसे ये डूडू कहते हैं। डूडू को देखो, मैकरोनी बोलता है। अच्छा डूडू आप कौन सी शना में बोलते हैं? इस ज़बान में तो डूडू बोलता है इधर। ठीक हो गया, आप इसको मैकरोनी कहते हैं। अच्छा तो लैंग्वेज कौन सी यहाँ पे? शना है, शना बोली जाती है। बड़ा ही सादा किस्म का होटल था जहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी तो चाय नहीं बन सकी। और अच्छा ये सिरका वाह, ये हमें मैकरोनी सुन गई है वो, ये भी खाली था। अच्छा हाँ, तो इस वक्त तो यही सबसे मज़ेदार चीज़ लग रही है, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं खाया था और हमें 5 घंटे हो गए हैं जागे हुए। अच्छा अच्छा एक और देने हैं, बहुत अच्छा बनाया आपने। मिर्च मसाले में शायद बनाया हुआ है, देसी सा टेस्ट है, लेकिन इस वक्त ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसे ही पहले हम दो इसलिए लिए थे कि पता नहीं खाया जाएगा कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छा बना। ये नहीं है अच्छा, कसम से इतना मज़ा आ रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी भूख लगी हुई थी और ठंडे मौसम में गरम गरम लग रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है। ये चाचा अच्छा बनाते हैं माशाल्लाह। सही। तो आप बता रहे थे कि आपके पास टेंट्स वगैरह यहाँ पे होते हैं। हाँ, यहाँ पे कोई मोबाइल सर्विस चलती है। दिरले विलेज के लोग नहायत खुश इखलाक और सादे हैं। हम लोग झील को क्रॉस करके अभी गांव में आ गए हैं। हमने नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त एक होटल था, बड़ा सादा सा, वो मैंने आपको दिखाया है। वहाँ पे सिर्फ उनके पास मैकरोनी से, जिसे वो अपनी लोकल लैंग्वेज में डूडू कहते थे, तो वो खाया, बड़ा मज़ा आया यार। ये गाँव है, यहाँ पे दिरले गाँव है, दिरले गाँव से आगे गाँव है दिरले बाला, और इस पहाड़ के ऊपर एक गाँव है, उसे दिरले पाइन कहते हैं। और जो बाजार वाला है दिरले गाँव, यहाँ पे दो होटल हैं, इसके अलावा कैंपिंग और टेंट भी यहाँ पे मौजूद हैं। वॉशरूम की सहूलत भी है, एसकॉम यूफोन यहाँ पे चलता है। ये वो पॉइंट है जो पीछे से पानी आ रहा है और इधर से लेफ़्ट साइड से आ रहा है, और आगे चल के ये झील को बना रहे हैं। अभी हम सिर्फ खाना खाने या कोई चीज़ लेने यहाँ पे आए थे। अभी हम वापस जाएंगे झील पे, वहाँ पे चल के हम करेंगे बातचीत, वहाँ पे चल के हम करेंगे मॉडलिंग, और वहाँ पे चल के हम लेंगे ड्रोन शॉट्स। पानी का कलर सुबहान अल्लाह इतना खूबसूरत है। और सबसे मज़े की बात यह है, जो मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं ना, ये झील की तरफ जब जाता है ना, तो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, ज़बरदस्त सीन हो जाता है। यहाँ पे हमने अपनी बाइक पार्क की है, दो जगह पर रुकेंगे इस झील में। एक पॉइंट ये था, इसका पीछे ये देखें कितना खूबसूरत पहाड़ है। और ये गांव के लोग जो हैं, ये बड़े सादे होते हैं, ये बहुत कम वसाइल में बहुत मुतमिन रहते हैं। इनकी जो ज़िंदगी है, ये आलू उगा लेते हैं और गंदम उगा लेते हैं, और लिमिटेड से वसाइल में रहते हैं, लेकिन मुतमिन रहते हैं। मुझे तो इन लोगों को देख के एहसास भी होता है कि हम लोग किस कदर नाशुक्रे हैं, ये कितने सख्त हालात में रहते हैं और कितना सादा खाना खा के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके मुंह से पहला लफ्ज़ सुनने को मिलता है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव चीज़ है। अल्लाह हमें भी हदायत की तौफीक दे और शुक्र अदा करने वाला बंदा बनाए। इस गांव के लोग इतने अच्छे थे माशाल्लाह। मुझे 2-3 लोग मिले जिन्होंने कहा कि आप हमारे मेहमान बने, हमारे साथ खाना खाएँ, जुमा पढ़ते हैं इकट्ठे। तो मुझे क्योंकि जल्दी है, आज मुझे चिलम पहुँचना है। वैसे तो ये रात रुकने वाली जगह है, आज मौसम की वजह से हमने फैसला किया कि वापस चले जाते हैं, वरना काला पानी जाने वाली जगह है, बड़ी उसकी मैं तारीफ़ सुन रहा हूँ। मैं जिससे पूछ रहा हूँ ना, दिरले झील का रास्ता जिससे मैंने पूछा है, वो मुझे आगे कह रहा था कि काला पानी आप लाजमी जाइएगा, वो बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन अब बादल इतने हैं, अब गाँव के लोगों ने मना कर दिया कि काला पानी आप ना जाएँ, यहाँ से 1.25-1.5 घंटा लगेगा, 12-15 किलोमीटर है, ऑफ रोड ट्रैक है। तो इसलिए फिर हम इस झील पर बैठे हुए हैं तब से, और माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत मौसम है। और पीछे जो पहाड़ हैं, सामने पहाड़ हैं, उनके ऊपर पीले रंग के फूल भी हैं, पीले रंग के पौधे भी हैं, तो एक बड़ा प्यारा कम्बिनेशन बन जाता है, ग्रीन के साथ येलो और ग्रीन के 3-4 शेड, सुभान अल्लाह। पहाड़ों पे अगर आप गौर करें ना, तो ये देखने में करीब लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गाय बकरियाँ इतनी लग रही हैं, और गांव वाले उनको चला रहे हैं, और दिल तो कर रहा है उस पहाड़ से चला जावा, लेकिन फिर आया नहीं जाना। सुभान अल्लाह। अभी ना झील का पानी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि सेंटर में ना आपको हल्का सा शायद ब्राउन कलर नज़र आ रहा हो, ये पत्थर है, मतलब ये आइलैंड सा था, खाली जगह थी, पानी इसको एनगल्फ कर गया, अदरवाइज़ सुभान अल्लाह। बाइक पे जब आप टूर करते हैं ना, और उसमें आपने हेलमेट पहनना होता है, वाटर क्रॉसिंग होती है, आपने कीचड़ में से गुजरना होता है, तो फिर बूटों का ये हाल हो जाता है, ये देखें। और लेकिन ये बताते हैं कि ये कोई मज़दूर आदमी है। तो अम्मी मुझे कहती हैं, जब मैं जाता हूँ ना अक्सर बाइक टूर में, तो वो अपने वाल तो वाल है सन, तो वो हेलमेट जब पहना हो तो उसके बाद ये वाली शक्ल निकलती है, उसमें मतलब क्या कर सकता है। मोटो बाइक व्लॉग्स का ये है सीन, उसमें आपका जो हीरोइज्म है ना वो ख़त्म हो जाता है। ये देखें, ये टिकटॉक और रीलें चल रही हैं। ग्रिप ऑन ट्रिप का काम का कोई पता नहीं, अपने एंगल सारे याद ने। अच्छा कहो कैमरा मैन कितनी तंदही से काम कर रहा है। अस्तोर शहर से इस झील का एक्सेस बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सड़क ओवरऑल अच्छी है, मतलब अच्छी सड़क, शहर वाली नहीं, लेकिन जो यहाँ पे सड़कें होती हैं उस लिहाज से अच्छी सड़क है। हम बाइक पे इस झील पे आ गए इजीली और तकरीबन 1.5 घंटा लगा है। वो तो हमारी अपनी गलती हुई जिसकी वजह से हमें 1 घंटा 30-40 मिनट एक्स्ट्रा चलने पड़े, लेकिन उसी चक्कर में हमें शाउंटर पास का जो एरिया था हमने वो देख लिया, बहुत ही खूबसूरत था। और इसमें यह है कि ट्रैवलिंग में ऐसा होता है, थोड़ा सा बंदे को फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, इस तरह के सिलसिले चलते रहते हैं। झील पर आने की बात करें तो अस्तोर शहर से जो जीपें चल रही हैं वो 12,000 से 14,000 रुपया लेती हैं आपसे यहाँ पे आने का, जो कि मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए क्योंकि रास्ता इतना ऑफ रोड नहीं है, सिंपल रास्ता है। बंदा थोड़ी सी हिम्मत करे तो अपनी गाड़ी भी ला सकता है, यारिस या टोयोटा करोला जो थोड़ी सी ऊँची हो वो ईजिली यहाँ पर आ सकती है। आगे गाँव में खड़ी भी हुई थी 2-3 गाड़ियाँ, फील्डर खड़ी हुई थी, उनको ज़रा उन्होंने ऊँचा किया होता है। और इस झील पे आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, सेम डे में रिटर्न कर लें, बहुत अच्छा है। और अगर आप सुबह जल्दी आते हैं तो आप काला पानी भी जा सकते हैं। काला पानी का रास्ता मुझे नहीं आइडिया, वो आप गांव वाले से पूछ के जाइएगा, यानी मेरे कहने से निकल जाओ तो बाद मैंने कमेंट कर दो तुसी दस्या सी, तो ये सीन आपने नहीं करना। बाकी अलहमदुलिल्लाह यहाँ पर आके पैसे पूरे हो जाते हैं। और ये आपको जब ऐसा मौसम मिलता है ना जिसमें लाइट इवन होती है, उसमें वैसे ही वो बोनस होता है आपके लिए, आपकी तस्वीरें बड़ी अच्छी आती हैं जो कि अभी हमने खींचनी है। तो दिरले लेक का ये जो सफ़र है आप अस्तोर के टूर में उसको ऐड कर लें, हाईली रिकमेंडेड है, बहुत खूबसूरत है, आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा कि क्यों आए थे। तो इसी खुशी में मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें, शेयर कर लें और मुझे दुआओं में याद कर लें। अस्तोर सीरीज़ मेरी अभी चल रही है, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखें कहाँ जाते हैं, कोई नई डेस्टिनेशन ढूंढते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ अस्तोर द फेरी लैंड में आज का सफ़र आपको पसंद आया होगा। और अगर आप एक ऐसी झील देखना चाहते हैं जिसका पानी लफ्ज़ अल्लाह की शक्ल बनाकर बहता है तो यहाँ क्लिक करें, और अगर हज़ारों साल पुरानी गुजरगाह शाहराह रेशम का सफ़र देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।